लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नेता वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के बयान दे रहे हैं। इसी कड़ी में आरएलडी के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी का विवादित बयान सामने आया है। शामली में जनसभा को संबोधित करते हुए जयंत चौधरी ने कहा कि वो किसानों की बात करते हैं, उन्होंने जाटों का ठेका नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी सिर्फ किसानों की बात करते हैं और किसानों के साथ छोटे तबके के लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन जयंत के इस बयान से शामली की राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। निचले तबके का है, सबसे कमजोर पायदान का वोटर लोकदल का वोटर है और लोकदल बीएसपी समाजवादी एक तरह से गठबंधन ही नहीं बना है, ये सामाजिक जो ताना बाना इस देश का है वो बन रहा है। जब सब आपके नीचे तबके के लोग हैं तो फिर डराने धमका के लेने की नौबत नहीं, नहीं किसने डरा दिया धमका दिया भाई? वहाँ के लोग बता रहे हैं। कौन कौन कहाँ प्रकट? बागपत के लोग। कोई बीजेपी का घुस गया होगा अंदर? अच्छा, कांग्रेस अब आपसे अलग हो गई है और जाट कैंडिडेट उतार दिया है, तो जाट वोट भी कहीं ना कहीं बचेगा। देखो किसी जाट वोटर क्या करेगा या जाट का क्या मन है, माफ कीजिए, ये ठेका तो मैंने कभी लिया नहीं था। मैं किसान की बात करता हूँ और किसान के साथ मजदूर कामगार सब कौम जुड़ गई है। हर एक आदमी सोचेगा, सूझबूझ से काम लेगा और उसके दिल में भी आवाज़ है इस बार कि चौधरी अजीत सिंह जी को मजबूत करें, मायावती जी को मजबूत करें, अखिलेश जी को मजबूत करें। उस चीज़ को देखते हुए कहीं टूट होनी नहीं। धन्यवाद।